प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैविक खेती को बढ़ावा देने के आह्वान पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जैविक खाद जीवामृत और घनामृत तैयार किया है। ये तरल और ठोस रूप में जैविक खाद है। वैज्ञानिकों का दावा है कि खेती में जीवामृत या घनामृत के प्रयोग से जैविक खेती में भी बंपर उत्पादन लिया जा सकेगा। संस्थान के निदेशक और प्रधान वैज्ञानिक ने बताया कि जीवामृत और घनामृत जैविक खाद की सीमित मात्रा से ही फसलों को पोषित किया जा सकता है। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। जीवामृत और घनामृत तैयार करने के लिए किचन गार्डनिंग करने वालों और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ इस समय जो सॉइल में जो कार्बन कंटेंट 0.2 के आसपास है उससे कम रह गया है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो हम ये मानते हैं कि अगर इसको हम इस्तेमाल में लाएंगे तो वो 0.2 की जगह 0.8-0.9 तक हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपका जो है सॉइल है जो एकदम से फर्टाइल रहेगा और जिसमें जैविक खेती आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इस दिशा में संस्थान बराबर जो काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने किसान भाई हैं इससे बेनिफिट उनको मिलेगा। इसको बनाने के दो हमारे जो हैं वो विषय रहे, एक तो किसान भाई जो भी आते हैं, काफ़ी किसान भाई आते हैं कि साहब जैविक खेती क्या होती है कैसे करें, तो उनको बताने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी फील्ड में काफ़ी यूज़ हो रही है। दूसरा हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि शहरी आदमी जो किचन गार्डनिंग कर रहा है या जो कुछ भी इस टाइप का काम कर रहा है वो कहाँ से तो देसी गाय का गोबर लाएगा, कहाँ से मूत्र लाएगा, कैसे जीवामृत बनाएगा, तो उसके लिए हमने जीवामृत जो है वो तैयार किया है और इसके रेट भी हमने फिक्स किए हैं। टीम में शामिल महिला शोधार्थी ने कहा कि वर्तमान में कृषि में यूरिया और अन्य रसायनों का काफी प्रयोग हो रहा है, ऐसे में लोगों का जैविक खाद से तैयार उत्पादों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। यानी कि किचन गार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे ये चीपेस्ट है, क्वालिटी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही चीपेस्ट हैं, वो कहीं भी अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं। ऐसा ही नहीं है कि हम आपको मार्केट से कुछ स्पेशल चीज़ परचेज करनी पड़ेगी, नहीं।